सो हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं मेरे नए गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू, जिसका नाम है लेनोवो लॉक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ में इसके गाइड मिली हुई है, एक लेनोवो एलोक्यू सीरीज करके लिखा है। सो चलिए गाइस, हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। सो यहाँ पे फटाफट से अनबॉक्सिंग कर ली है और यहाँ पर लैपटॉप है और साथ में चार्जर है। सो इसे भी एक बार निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग लैपटॉप देख सकते हो भाई, और यहाँ पे हम लोग ऑन भी कर देते हैं इसको। और यहाँ पर हमारा लैपटॉप ऑन हो रहा है गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका। और यहाँ पर लिखा है i5, इंटेल i5 का 12th जनरेशन है, और एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड भी है इसमें। और यहाँ पर हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है गाइस। मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ इसका। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई, लैपटॉप का फिनिश और लैपटॉप का डिज़ाइन और इसका डिस्प्ले। सो इसके स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें डिस्प्ले मिलता है आपको 144 हर्ट्स का डिस्प्ले रेट मिलता है आपको, और इसमें सीपीयू मिलता है आपको इंटेल i5 12450H, SSD मिलती है इसमें 512, रैम इसमें 16 GB है, और ग्राफिक कार्ड मिलता है RTX 4050 6 GB, और इसमें डिस्प्ले आपको मिलता है 15.6 इंच का IPS फुल HD डिस्प्ले। और साथ में आपको इसमें विंडोज 11 मिलती है और एमएस ऑफिस में से पहले से आया है। और ये रात का आप लोग देख सकते हो, लाइट्स ऑफ करके आप इसके कीबोर्ड की पूरी लाइट देख सकते हो। सिंगल इसमें वाइट बैक लाइट आती है कीबोर्ड में, जो कि स्क्रीन के साथ भाई बहुत सही लग रही है। बाकी इसमें ट्रैक पैड बहुत बड़ा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और बटन भी इसके काफ़ी स्मूथ है चलाने में। और यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने इसको कूलिंग पैड के ऊपर रखा हुआ है। लैब केयर का एक कूलिंग पैड था जो कि मैंने अलग से लिया था, सो इसको थोड़ा ताकि मैं आपको अलग एंगल्स में भी दिखा सकूँ स्टैंड में करके। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑडियो जैक लगाने का मिलता है, और साइड में आपको चार इसमें कूलिंग वैन देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन देख लो, पीछे से भी देख लो इसका डिज़ाइन। और यहाँ पर हमें अलग अलग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे USB पोर्ट्स में हमें एक USB 3.2 Gen का एक पोर्ट देखने को मिलता है, दो इसमें 3.2 Gen 2 के पोर्ट मिलते हैं, एक इसमें 3.2 Gen चार्जिंग का पोर्ट मिलता है पीछे। बाकी राइट साइड में आपको कैमरा शटर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, और वहाँ पर भी एक सिंगल पोर्ट देखने को मिलता है। और पीछे बैक साइड की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर पीछे की तरफ से आपको साउंड, यहाँ पे आपको चलाओगे तो यहाँ साउंड का आपको देखने को मिलता है। इसका फिनिशिंग डिज़ाइन देख लो। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा इसमें आपको 1080p का वेबकैम आपको देखने को मिलता है। सो फिलहाल गाइस, हम लोग लैपटॉप का वेबकैम यूज़ कर रहे हैं। सो ये देख सकते हो आप, टेस्टिंग में कर रहा हूँ इसकी। फिलहाल 1080p का वेबकैम आपको देखने को मिलता है इसमें, और कैमरा शटर के साथ आता है जो कि। सो यहाँ पे पूरा रूम में लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप यहाँ पे क्वालिटी इसकी देख सकते हो। सो यहाँ पे कैमरा आपको मैंने शो कर दिया यहाँ का, फिलहाल के लिए बस कैमरा का टेस्टिंग था। तो कैमरा इज़ नॉट बैड ओवरऑल। बाकी इसमें लेनोवो वेंटेज करके एक सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलता है। सो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, SSD यहाँ पे देख सकते हो शो कर रहा है, और CPU यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12th जनरेशन इंटेल i5 12450H प्रोसेसर यहाँ पे हमारा जो है वो दिखा रहा है। बाकी ग्राफिक कार्ड भी आप इसमें देख सकते हो, एनवीडिया का RTX 4050 4050 सीरीज का है, जिसमें आपको DLSS 3 तक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी इसमें मोड्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे चला रहा हूँ, परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, क्वाइट मोड, कस्टम मोड। फिलहाल ये बैलेंस मोड पे है, जिसमें आपको AI चिप भी देखने को मिलती है इस लैपटॉप के अंदर, थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस देता है। फिलहाल मैंने उसे अनेबल नहीं किया है, फिलहाल डिफॉल्ट पे चल रहा है। बाकी ग्राफिक कार्ड, GPU के भी बहुत सारे मोड आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइब्रिड मोड हो गया, IGPU मोड हो गया, ऑटो मोड हो गया, और लास्ट में DGPU मोड हो गया। तो अलग अलग तरह के मोड है, अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ करना चाहते हैं जो पहले से आया है, या फिर डेडिकेटेड जो जो इसमें एनवीडिया का अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, अगर वो यूज़ करना चाहते हो सिर्फ, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। बाकी डिस्प्ले, फिनिशिंग और लैपटॉप आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, कमेंट में ज़रूर बता देना वीडियो कैसी लगी और लैपटॉप कैसा लगा। छोटी दिवाली के दिन नाइट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बाहर भाई क्रैकर्स की आवाज़ भी आ रही है बहुत, सो नॉइज़ भी आ रही होगी काफ़ी। सो बता देना भाई कमेंट करके, नए आए चैनल में सब्सक्राइब कर देना, और मैं इस लैपटॉप को और भी रिव्यू ले आऊँगा। सो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी आप सभी लोगों का हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। बाय गाइस, सी या।